हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायोलॉजी टॉक वर्ल्ड ट्यूटोरियल बाय हिमांशी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन ऑफ क्लास बायोलॉजी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट इस चैप्टर में हम प्लांट की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी को डील करेंगे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल आउटलुक और बाहर से क्या क्या डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो आपको विजिबल हैं उनके बारे में हम देखेंगे तो यहां पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच ए स्टेम लीव फ्लावर फ्रूट सीड्स इन सब की मोफोलॉजी हम इस चैप्टर में इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सबसे पहले है यहाँ पे टर्म मोफोलॉजी एज आई हैव टोल्ड यू मोफोलॉजी का मतलब होता है आउटर आउटर अपीय तो हम प्लांट मोफोलॉजी को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं और सिंपली वी कैन से प्लांट मोफोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट नाउसारिथ रूट रूट इज वॉट इट इज बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल रेडिकल इज वॉट As you know, that uh, seed is formed from the fertilization of uh, your pollen grains and the egg. So, initially, when these two gametes of a plant fertilize, they used to form um, zygote, that is, a diploid cell. When this zygote further develops, it forms a structure known as embryo. ठीक है अब ये एम्ब्रियो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को अंडरगो करता है एंड फाइनली एक स्मॉल प्लांटलेट का फॉर्मेशन करता है तो जब एक एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है इस प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर दो एक्सिस का फॉर्मेशन होता है जिसमें से एक एक्सिस को बोलते हो आप प्रिम्यूल एंड सेकेंड एक्सिस इज नोन एज रेडिकल ओके तो रेडिकल वो एक्सेस है एम्ब्रियो का जो डाउनवर्ड तरफ लोकेटेड होता है एंड प्रिम्यूल इज दैट एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच इज लोकेटेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर रेडिकल हमेश, हमेशा यहाँ पे रेडिकल हमेशा जियोट्राफिक मूवमेंट शो करेगा मीन इट विल मूव टूवर्ड द स्वाइन ये स्वाई की तरफ मूव करेगा एंड प्रिम्यूल आपका क्या करता है नेगेटिव जियोट्राफिक शो करता है फ्रॉम द स्वाइन राइट सो हेयर वट इज रूट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट जो कि किससे डेवलप हो रहा है रेडिकल से डेवलप हो रहा है रेडिकल ऑफ वॉट रेडिकल ऑफ द एम्बरियो बेसिकली ठीक है नाउ देयर आर सर्टेन फंक्शन ऑफ द रूट लाइक इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड आपके वाटर एंड मिनरल के एब्सॉर्बन में इट इज हेल्पिंग डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर सीक्रेटेड एंड फॉर्म इन द रूट नाउ एज यू नो रूट हेल्प इन सपोर्टिंग द प्लांट बाय होल्डिंग द सॉइल टाइटली ठीक है नेक्स्ट आपके रूट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं एंड कहीं कहीं पे यू मस्ट हैव सीन कि आप किसी प्लांट की रूट को कट करके लगा दो रूट लगा दो तो न्यू प्लांट ओरिजिनेट होता है ठीक है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो दीज आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ द रूट नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट बेसिकली रूट्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री मेजर कैटेगरीज वन इज टैप रूट सेकेंड इज फाइब्रस रूट एंड थर्ड इज योर एडवेंटिटस रूट टैप रूट क्या है आपका प्राइमरी रूट का मॉडिफिकेशन है नाउ व्हाट इज प्राइमरी रूट जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस इज अ अल और यहाँ पे कोई प्लांट है ठीक है कोई प्लांट लगा हुआ है लेट अस कंसीडर की इस प्लांट की एक मेन रूट है उस रूट को बोलोगे प्राइमरी रूट इस मेन रूट की अगर फर्दर ब्रांचेज हैं तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी रूट सेकेंडरी रूट में भी अगर कुछ फर्देज है ओके तो प्राइमरी रूट इज मेजर रूट ऑफ द प्लांट तो टैप तो रूट क्या है मॉडिफिकेशन है किसका प्राइमरी रूट का मॉडिफिकेशन है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग ये रेडिकल से डराइव होते हैं हमेशा टैप रूट रेडिकल से डराइव होते हैं ये रूट्स मोस्टली आपके डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है और डाइकॉट प्लांट्स में आपको कॉमनली टैप रूट, आप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा Tap roots, आपका succession करता है, older roots आपकी पहले आती हैं नई वाली tips की तरफ ग्रो करते। ट्रोपिटल इट इज शोइंग यू द टैप रूट सिस्टम ठीक है कि जो ओल्डर ब्रांचेज है वो इधर साइड साइड में और जैसे जैसे जो न्यू ब्रांचेज होगी वो टिप में अराइज होगी इस टाइप के अरेंजमेंट को वी कॉल एज एक्रोपिटल मैनर और एक्रोपिटल पैटर्न टैप रूट रूट जो होती है हमेशा अंडरग्राउंड होती है मोस्ट कॉमनली यू कैन को रिलेट दिस विथ कैरेट एंड रेडिश आपने कैरेट एंड रेड डिश देखा होगा तो वहाँ पे द पार्ट ऑफ अ कैरेट एंड रेडिश दे वो मेजर रूट होता है आप अलग से दिखता है ना वो पार्ट रेडिश एंड कैरेट का जिसको हम खाते हैं और उसके साइड में फाइन हेयर्स एंड सेकेंडरी रूट अराइज होती है छोटी छोटी ठीक है सो इस टाइप के रूट जहाँ पे प्राइमरी रूट डोमनेंट है और क्लियरली विजिबल है आप उसे clearly distinguish कर सकते हो as compared to other roots जो उसमें निकली है है उस की root को बोलोगे right. से फाइबर नाम से नाम ही पता चल रहा है, यहां पे फाइबर के फॉर्म में होंगी गुच्छे के फॉर्म में क्लस्टर्स के फॉर्म में आपके रूट अराइज होती है जस्ट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम इफ यू कंसिडर दिस एज स्टेम एंड दिस इज सॉइल तो यहाँ पर जस्ट स्टेम के बेस पर से क्लस्टर ऑफ रूट्स यहाँ पे अराइज होंगी इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट गुच्छे में आते हैं ठीक है ये बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट प्लांट का एंड ये रूट भी हमेशा अंडरग्राउंड होंगी एंड यहाँ पर प्राइमरी रूट एबसेंट होता है मीन जब आप फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऑब्जर्व दिस फिनना इन योर एन्वायॉयरमेंट आप किसी घास के रूट को प्लग करो वहाँ पे यू विल फाइंड कि आप देखोगे कि रूट जो है वो क्लस्टर्स में निकल रही है और आप वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी रूट को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो जैसे कि हम टैप रूट में प्राइमरी वाले को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे बिकॉज वो डोमिनेंटली हमें दिख रही थी यहाँ पे सारी की सारी एक जैसे दिखती है तो प्राइमरी रूट यहाँ पे नहीं होती है ओके ये बेसिकली आपके एग्जाम्पल्स जिसमें आपको फैब्रेस रूट देखने को मिलेगा वन इज कॉमन ग्रास सेकंड मेज में यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस टाइप ऑफ रूट नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रूट इज एडवेंटिटस रूट ठीक है मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट है ये एडवेंटिटस रूट ये स्पेशल टाइप्स की रूट होती जो वहां से अराइज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक्सेप्शन यही है एडवेंटिटस रूट का की दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ अ रूट जो रेडिकल से डेवलप ना होकर अदर पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप करती है और ये आपको दोनों ही मोनोकॉट एंड डायकॉट में देखने को मिलेगा ठीक है ये एडवेंटिटस रूट डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन शो करती है प्राइमरी रूट एबसेंट होता है एंड इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज बी फाउंड अंडरग्राउंड ठीक है इट मे फाउंड इन एरियल कंडीशन आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडवेंटिटस रूट इज बैनिंग ट्री शुगर केन एंड मैंग्रोव्स ठीक है दलदली एरिया में जो प्लांट उगते हैं वहाँ पे आपको एडवेंटिटस रूट देखने को मिलेगा नाउ सी द पिक्चर बिसाइड दिस दिस द फर्स्ट टू डायग्राम इज शोइंग यू द टैप रूट सिस्टम बिकॉज़ यहाँ पे मेजरली डोमिनेंट फॉर्म में यू कैन सी द रूट एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर राइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट ठीक है सेकंड एंड थर्ड टाइप एंड ये अदर uh, टाइप्स कि जो थ्री रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट है दे आर शोइंग यू द फाइबरस टाइप ऑफ रूट सिस्टम ओके नाउ लेट्स सी लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट एक रूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं सबसे पहले है रूट कैप इनिशियली क्या होता है जो रूट का जो टिप होता है वहाँ पे सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यूज होते हैं जो इलांगेट कर रहे होते हैं तो उन सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ कवरिंग जो कि रूट रूट के पे पे और टिप प्रेजेंट होती है है उसको बोलते हैं हम कैप ठीक ये क्या कर रहा है जो डेलिकेट टिप है रूट की उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सॉइल हार्श सॉइल ठीक है जैसे जैसे रूट नीचे को पेनिट्रेट करेगी सॉइल में तो वो डिफरेंट हर्डल्स को क्रॉस करना होता है ना जैसे सॉइल पार्टिकल्स हो गए रॉक पार्टिकल तो उनके FXA, इस डेलिकेट टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है रूट करता है ठीक है रूट के बारे में एक और चीज है यहाँ पे रूट कैप के बारे में रूट कैप के बारे में दे सीक्रेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टार जो कि क्या कहता है इन रूट को टूवर्स द ग्रेविटी और टूवर्ड द सॉइल में मूव करने के लिए हेल्प करता है सेकेंड जोन इज रीजन ऑफ सेल डिविजन और वी कैन कॉल दिस रीजन एज रीजन ऑफ मेरिसमेटिक जोन नाम से पता चल रहा है यहाँ पे मेरिसमेटिक जोन है मीन मेरिसमेटिक सेल्स मिलेंगे यहाँ पे सेल्स हाई टोटी की पावर रखते हैं मीन यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनके पास हाई पावर होगी कि दे कैन कंटिन्यूसली डिवाइड ठीक है ये रीजन कहाँ पे होता है सब टर्मिनल इन पोजीशन मीन टिप्स के जस्ट टर्मिनल से जस्ट एडजस्टन होता है यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक है, कि thin, इस रीजन में है पे हम इस रीजन को मैरिस्मेटिक जोन बोल रहे हैं यहाँ पे जो लेंथ होता है इस जोन ऑफ सेल डिविजन का और मैरिस्मेटिक जोन का इट इज अप्रोक्सिमेटली वन मिलीमीटर लॉन्ग ड रीजन इज दट इज रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन ठीक है दिस रीजन इज अगेन एडजस्ट टू द मेजिस्मेटिक जोन एंड अप्रॉक्सिमेटली फाइव एम एम लोंग यहाँ के सेल डिवाइड नहीं करते ठीक है द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन वो हेल्प करते हैं हम एब्जॉर््पन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स में ठीक है इस सेल के जो इस जोन के जो सेल्स होते हैं दे स्मॉल बिकॉज एंड दे आर फिल्ड विथ सैप ओके नाउ सी यहाँ पे जो मेरिस्मेटिक रीजन में जो सेल्स हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं वही सेल उन्हीं में से कुछ सेल्स हैं जो ऊपर की तरफ पुश हो रहे हैं एंड दे लूजिंग द पावर ऑफ डिवीजन जो कि क्या बना रहा है रीजन ऑफ इलांगन को फॉर्म कर रहा है इसीलिए रीजन ऑफ जो मेरिस्मेटिक है यहाँ के जो सेल्स हैं यहाँ पे जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड कर रहे हैं उसमें से कुछ अपवर्ड की तरफ को मूव कर रहे हैं एंड वो अपनी टोटी पोटेंसियल पावर को लूज कर रहे हैं तो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ आते रहेंगे यहाँ पे क्या होगा न्यू लेयर ऑफ सेल्स एड हो रही है तो ये टिप जो है और बेसिकली यू कैन से जो लेंथ है रूट की उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेजर इंक्रीज यहां से हो रहा है ठीक है दैट इज वाई इस स्पेसिफिक रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ सेल इलाशन आफ्टर रीजन ऑफ सेल इलांगेशन फोर्थ जोन जो आपको रूट में देखने को मिलेगा दैट इज जोन ऑफ सेल मैचुरेशन मीन यहाँ पे कंप्लीटली मेच्योर सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप की सेल डिवीजन की एक्टिविटी को शो नहीं करते यहाँ पे सेल्स आपके नॉन इलास्टिक नेचर को शो करेंगे ऑल आ मेच्योर सेल ठीक है इसीलिए सेल्स ऑफ इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन बोल रहे हो ठीक है यहाँ के सेल के एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें से स्मॉल फाइवर थर्डलिक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं यहाँ पे सेल मेच्युरेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन फिनोमिना को भी शो करते हैं मीन अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में अडेप करेंगे लाइक कॉटेक्सल फ्लोएम एंडोडम इन सब का फॉर्मेशन आपके इस वाले रीजन में देखने को मिलता है नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द रूट इज रूट हेयर जो कि रीजन ऑफ सेल मेचुरेशन में प्रेजेंट होता है ये वाटर के एब्जॉर्बशन में हेल्प करते हैं ये जो फाइबर्स आपको थिन हेयर लाइक फाइबर्स दिख रहे हैं जिसको हम यहाँ पे रूट हेयर बोल रहे हैं

थर्ड इज वी हैव रीजन ऑफ सेल इलांगेशन जहां पे मेन इलोंगेशन का काम होता है फोर्थ रीजन ऑफ सेल मेचुरेशन एंड फिफ्थ वी हैव डिस्कस अबाउट रूट है

कोनिकल कोनिकल रूट उसको बोलते हैं जो कोन के जैसे दिखता है इट इज फाउंड इन कैरेट इफ यू हैव सीन कैरेट यू विल सी कि वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है uh, जहां बेस से इट अपियस लाइक दिस है ना वो एक इन्वर्टेड कोन की तरह दिखता है तो हम इसको नाम देते हैं कोनिकल रूट सेकेंड इज फ्यूजीफॉर्म फ्यूजीफॉर्म आपके रेडिश में मूली में देखने को मिलेगा अः uh, इसमें और कोनिकल uh, में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोनिकल में तो बेस में ब्रॉड होगा और टिप में वो एक और टिप तक जाते जाते वो हमें स्टीप स्लोप देगा मतलब वो डायरेक्ट स्लोप यहाँ पे क्रिएट कर जबकि फॉर्म के केस में क्या होगा ये जो बेस है ठीक है यहाँ पे थिकनिंग होगी मिडिल पार्ट में भी थिकनिंग हो सकती है और जो उसका टेल पार्ट है और टिप पार्ट है वहां पे भी थिकनिंग हो सकती है मतलब स्टीप स्लोप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो इस इस टाइप की रूट यू कैन फाइंड इन रेडिश थर्ड इज नैपी फॉर्म रूट नैपी फॉर्म रूट आपको टर्न में देखने को मिलेगा जिसका बेस क्या होता है टॉप की तरह लट्टू की तरह इट इज राउंड ठीक है एज यू कैन सी इन डायग्राम ये क्या है इसका जो बेस है सॉइल ठीक है ये वाला पोर्शन ये क्या है टॉप की तरह और लास्ट में छोटा सा इसका टेल पोर्शन है और इसके चारों तरफ है यहाँ पे फ्रूटेंट है सच टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन है टूबरेस रूट आपकी होती है अः ऐसी रूट जिसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है ठीक है मीन रूट हैविंग विदाउट एनी फिक्स शेप दैट इज नोन एज ट्यूबरेस रूट नाउ नेक्स्ट इज योर नोडिलेटेड रूट नोडुलेटेड रूट वो रूट होते हैं जिसमें नोड्यूल्स मिलते हैं इट इज अरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट ठीक है लेग्यूम प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एज यू कैन सीन द डायग्राम हेयर यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये होल्स दिख रहे हैं ठीक है नोट बेसिकली दीज आर नोट ठीक है इन नोट्स के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में फॉर्म करते हैं जिसको प्लांट इजीली यूज कर सके कौन सी नाइट्रोजन को एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन को बिकॉज प्लांट के अंदर पावर नहीं होती है कि वो डायरेक्टली एटमोस्फिक नाइट्रोजन को यूज कर सके सो so ये क्या करते हैं एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के फॉर्म में यू कन्वर्ट करते हैं विच कैन बी इजिली यूटिलाइज बाय द प्लांट ठीक है सो so, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका लेग्युमिनस फैमिली का लेगुमिनस प्लांट का व्हाट इज लेग्युमिनस प्लांट एंड लेगुमिनस फैमिली जो दाल एंड पल्सेस वाली आपकी फैमिली होती है ठीक है वहां पे आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल पी ग्राउंड नट ग्राम नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज नो रूट दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ अ रूट विच इज फाउंड इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट यहाँ पे क्या होगा जैसे सॉइल है ठीक है लेट एस कंसिडर दिस इज सम एक्वेटिक प्लांट ये कोई एक्वेटिक प्लांट है और ये उसकी रूट है ठीक है अब ये रूट क्या करेंगी? रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए खुद बेंड हो जाएंगी यू शेप में और पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से ठीक है तो ये जो वाटर के सरफेस के ऊपर आ रही है दिस वाटरी सरफेस तो इन्हीं रूट्स को बोल रहे हैं हम निमेटोफोर एज यू कैन सी इन द डायग्राम दीज ये वाटर के सरफेस से ऊपर को बैंड हो गई है ठीक है तो ये क्या क्यों बैंड हो रही है ताकि रेस्पिरेशन कर सके और बेसिकली फॉर रूट आपके मैंग्रोव प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट आपके दलदल एरिया में रहते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट्स राइट अदर एग्जांपल्स आर दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वे यू कैन फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ और दिस टाइप ऑफ रूट दैट इज निमेटो नाउ सी देर इज टू स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेज

रूट बट इसमें क्या होगा फॉर एग्जाम्पल लाइक यू जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी जो सॉइल के जस्ट पास है उस नोड में से इस तरीके के ऑब्लिक रूट्स निकलती है एंड दिस रूट देन मूव टूवर्ड दॉइल एज यू कैन सी दिस पिक्चर सच टाइप ऑफ रूट्स आर नोन है एग्जाम्पल इज शुगर केन बट वॉट इज प्रॉपर रूट ये ऐसे रूट हैं जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस जो होती है आपकी ट्री में उनमें अराइज होती है एंड दीज आर शॉर्ट ऑफ हैंगिंग रूट सो दिस इज ऑल फॉर टूडे इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एट थैंक यू